पशुपालन करना है तो, और जानवर पालने के पहले ये मत सोचें कि मतलब हम जानवर खरीद के लाएंगे फिर इसको एक टाइम अपन लगाए, जिसे सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे भी भैंस लगी, इनका उम्र से मतलब नहीं है जी। जानवरों में जो सिस्टम है, सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों आज हम आए हुए हैं खुशहाल डेयरी फार्म जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, और अगर हम सर के बारे में थोड़ा सा बताएं आपको तो सर ने मतलब स्टार्टिंग में एक गाय था डेयरी फार्म शुरू किया था और आज की डेट में लगभग 150 एनिमल हैं, और सर यूपी से बिलोंग करते थे, बट इनकी मेहनत इनका शिद्दत जो इन्होंने डेयरी में मन से काम किया वो आज इनका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। कैसे क्या डेयरी फार्म इन्होंने शुरू किया और आप कैसे डेयरी फार्म शुरू करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं डेयरी फार्मिंग में, वो पूरी जानकारी लेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। मैं खुशहाल कुशवाहा, धवारी सतना मध्य प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जी, अभी इस समय मध्य प्रदेश में सतना जिले में रह रहा हूँ। अच्छा। और डेयरी और पशुपालन पशुपालन का काम कर रहा हूँ और किसानी का काम करता हूँ। अच्छा जी, तो सर आपने लगभग किस सन में स्टार्टिंग किया था डेयरी की? सन 1995 में मैंने डेयरी का काम चालू किया था। 1995 में। जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं उनको क्या मंत्र देना चाहेंगे उसके बारे में मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर पशुपालन करना है तो तन मन धन से करना है, मतलब अच्छा। ये नहीं कि जानवर खरीद के लिए आए, जानवर को जानवर जैसे ट्रीट नहीं करना है। अच्छा। मतलब उसको एक अपने परिवार का हिस्सा टाइप में अगर अपन ट्रीट करेंगे, फैमिली मेंबर, तो उससे अपन को अपने को अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा। और जानवर कभी खाएगा तो उसका मतलब फालतू नहीं जाएगा भाई, जानवर खाए 10 रुपया खाएगा तो 20 रुपया आपको देगा ही देगा। अच्छा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हमको डेयरी फार्मिंग शुरू करना है तो डेयरी फार्मिंग में क्या मतलब बहुत सारे विचार आते हैं कि दूध कहाँ बेचूंगा, पशु कहाँ से खरीदूंगा, फार्म कैसे बनाऊंगा, तो उनमें थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे शुरुआत करें, कैसा सेटअप बनाएं। इसीलिए मतलब अपने दर्शकों से या पशु पालने की जो इच्छुक हैं उनसे मतलब ये बात कहना चाहते हैं जी कि अपन साल दो साल जो भी काम अपन करते हैं तो बड़े छोटे स्तर से काम करें, मतलब 2-3 जानवर लेके मतलब अपन काम करें, उससे ये फायदा होगा कि अपने को सीख भी मिलेगी और घाटा फायदा जो भी होगा तो बड़े छोटे स्तर पे होगा स्टार्ट में, और एक मतलब अनुभव हो जाएगा, अनुभव के बाद जब अपन कोई भी काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अब प्रॉफिट युक्त रहेगा। अच्छा, सर शेड कैसा बनाना चाहिए पशुओं के लिए रहने का? पशुओं का वैसे कायदे से तो शेड का जो बताते हैं और पूरा पश्चिम के हिसाब में बनाना चाहिए कि कभी मतलब पूरा पश्चिम में ये रहता है कि सूरज उगते समय भी धूप नहीं लगती है और डाउन होते समय भी धूप नहीं लगती है जी। और बाकी ज्यादा से ज्यादा खुला सेट होना चाहिए जिससे हवा जानवर को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। जैसे आपका सेट तो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे दोनों तरफ दीवार है और इसके ऊपर आपने टीन डाल रखा है, तो फार्म ऐसे टीन वाला बनाना चाहिए या पक्का बनाना चाहिए, लकड़ी का बनाना नहीं, चाहिए? नहीं, कैसे मेन क्या है, ज्यादा टीन वाला जो होता है टिपता है इसे क्या है बजट के ऊपर है भाई, जिसके पास बजट नहीं है तो शुरुआत में अपन टीन डाल सकते हैं, मगर टीन के ऊपर जैसे पुआर वार और ये सब कचरा वचरा डाल के मतलब जो पराली टाइप, हाँ, टाइप में डाल दें तो जिससे मतलब गर्मी में टिपे ना, बाकी बरसात में उसको हटा दें। हाँ, मतलब ये भी हाँ गर्मी में बहुत सारी उमस होती है, उमस कम करेगा, उमस कम करेगा, टेम्परेचर डाउन कर देगा जी जी। ये सब तो जैसे सर हम डेयरी शुरू करने जा रहे हैं तो शुरुआत में हमें गाय पालनी चाहिए, भैंस पालनी चाहिए, या कितना रेशियो होना चाहिए वो अपने अपने यहाँ का डिमांड के ऊपर है कि आपके यहाँ भैंस का दूध का डिमांड है या गाय के दूध के ऊपर डिमांड है, तो वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और जानवर पालने के पहले ये मत सोचें कि मतलब हम जानवर खरीद के लाएंगे फिर इसको मतलब कटने में इतने का हमारा चला जाएगा। अच्छा। मतलब उसको ये मतलब पालने के पहले ये सोचें कि मतलब हम इससे पाल के कई मतलब बयान तक इसको दूध ले पाएं। जितना दूध देना जरूरी है उतना उस जानवर को गाभिन करना जरूरी, गाभिन करवाना जरूरी। लेकिन ये बात सही है सर आपकी, लेकिन अगर हम देखते हैं ना पूरा भारत देश भ्रमण करते हैं तो मुझे लगता है 90% डेयरी ऐसी मिलेंगी कि आप जैसे ये भैंस एंट्री हुई तो जब तक दूध देगी तब तक खाए, सीधा गेट के बाहर भाई। तो कारण जब आज जानवर महंगा हो गया है सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई अच्छा। जानवर पालना है कि मतलब ये तो जानवर हो चाहे बच्चे हो उसके कोई पालने को तैयार नहीं है, सब यही सोचते हैं कि मतलब बस ले आए दूहें बेच हटाए। बिल्कुल। तो इससे जो आज 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भैंस रेट भाग रहा है तो यही कारण है कि जो आज जानवर महंगा होता जा रहा है, यही कारण है। मतलब मेन क्या है, लोग ब्रीडिंग करना नहीं चाहते, बच्चे तैयार नहीं करेंगे और जो भैंस है उनको भी अगले ब्याह के लिए तैयार नहीं करेंगे, मतलब यही है, यही कारण है। तो जैसे लोग सर कहते हैं कि हम लोग भूसा उसा बाहर से खरीदते हैं तो बच्चे तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है,
कोई क्या लगता है, कोई मुश्किल काम नहीं अगर काम करना चाहे आदमी। तो जब हम बोलते हैं कि जब 10 किलो भैंस को भूसा खिला सकते हैं तो क्या बच्चे को 1 किलो भूसा नहीं खिला सकते हैं? और फिर 1 किलो भूसा के साथ साथ 1 साल तक तो वो माँ के सहारे रह गया और 1 साल अपन उसको ध्यान दे लिए, उतने में तो वो तैयार हो गया। बिल्कुल, मतलब 2 साल में तो फिर वो तैयार हो जाएगा भाई। 1 साल तो माँ का दूध पीते पीते वो 1 साल उसका टाइम निकल गया। बिल्कुल हाँ, 1 साल और सेवा कर ली 2 साल में वो तैयार हो जाएगा। ये कह सकते हैं कम पूंजी में बड़ी पूंजी मिल जाती है भाई, धीरे धीरे खाएगा पता भी नहीं चलेगा। वो गुल्लक के समान है, जैसे गुल्लक में 10-10 रुपए डालते जाइए, वो भर जाएगा तो फूटेगा तो एक बड़ा अमाउंट निकलेगा। बिल्कुल वही वैसे ही है। अगर आप बच्चे तैयार करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर खा करके वो बड़ा, जैसे एनिमल हो गया मतलब लाखों रुपए का एक एनिमल मिलता है यार रेट में। तो सर जैसे ब्रीडिंग की बात आ गई, जैसे लोग शहर में हो तब ब्रीडिंग करें, गांव में ब्रीडिंग करें, मतलब कि कहां कहां पे कर सकते हैं? ब्रीडिंग शहर में थोड़ी जगह की समस्या सबके पास है। अब बच्चों के लिए तो कम से कम जगह चाहिए मान लीजिए थोड़ी भाई। क्या होता है जगह रहने से जो अपना कॉस्ट है तैयार करने का वो कम हो जाता है। बिल्कुल भाई, जैसे मान लीजिए अगर 2 घंटे जानवर घूम लिया 24 घंटे में तो 2-4 किलो चारा पत्ती तो वो खुद ही अपना चर के आ जाएगा। बिल्कुल 2-4 किलो अपन दे देंगे दाना भूसा तो उतने में काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर देहात के जो लोग हैं मतलब पशुपालक जो हैं या किसान हैं तो कोशिश करें कि मतलब बच्चे तैयार लेके या खरीद के या घर में जो तैयार हैं उनको तैयार करके और अच्छा फायदा कमा सकते हैं उससे। सर भैंसे ब्याई हुई खरीदनी चाहिए या प्रेग्नेंट भैंसे खरीदनी चाहिए? नहीं, भैंस तो ब्याई हुई खरीदना चाहिए, दूध के खरीदना चाहिए। अच्छा। 2 टाइम में क्लियर हो जाता है घड़ी। अच्छा। देख के अगर अपन ने मान लिया ठीक है, एक टाइम अपन लगाए जिसे सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे भी भैंस लगी तो अपन सुबह 6 बजे वाला दूध का कोई मतलब नहीं है, पर शाम को जो 5 बजे दूध लगी है तो क्लियर करेगा कि हाँ जानवर में कितना दूध है। शाम का रोका होगा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर शाम अगर फिर अगले दिन टाइम निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा 9 घंटे 10 घंटे में कितना दूध निकला तो जानवर में कितना। बच्चा करता है तो उसको कैल्शियम की कमी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी की वजह से वो होती है। अच्छा। अगर अपन पहले से ही कैल्शियम फास्फोरस जैसे बच्चा जानवर करता है अगर सिरप सिरप पिला देते हैं तो वो नहीं हो पाती, मिल्क फीवर की समस्या भी आने वाले जानवर को होती है। वो 2 या 3 महीने तक रहता है ऐसा सिस्टम, उसके बाद फिर नहीं होती है। जैसे वैक्सीनेशन में क्या कुछ वैक्सीनेशन में है? गला घोटू है, खुरहा है, अधरंगा है। अधरंगा क्या होता है? अधरंगा होता है आधा अंग सूज बच्चों में होता है, 3 साल के उम्र तक होता है ये। अच्छा अच्छा हाँ, ये इसकी वैक्सीन लगती है कैसे? अधरंगा की वैक्सीन आती है। अच्छा, अधरंगा की भी वैक्सीन आती है। भैंसों में आप सर कौन कौन सी वैक्सीन लगवाया करते हैं? जैसे है गला घोटू है, खुरहा है, अधरंगा है छोटे। अच्छा, बच्चों में छोटे बच्चों 2-3 बीमारियां हैं जो कि मतलब खतरनाक हैं, और इनका टीका लग गया तो कोई दिक्कत नहीं। जो जानवर अपन पाले हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारा जानवर कब बच्चा दिया, कब गाभिन हुआ, कब कितना समय मतलब दूध इसका घट रहा बढ़ रहा है, तो लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको भैंसों में ज्यादा समस्या है या गाय पालने में, और क्या प्रेफर करते हैं, क्या पालना चाहिए? समस्या तो देखिए किसी में नहीं है। भैंस आज की डेट में थोड़ी सी महंगा धन है और गाय थोड़ी से भैंस की अपेक्षा, मान लीजिए अगर एक भैंस लेते हैं तो मान के चलिए अगर 2 भैंस ले ली तो मान 3 गाय ले सकते हैं। अच्छा, गाय की क्या है लागत थोड़ी कम है जो रेट है, दूध भी दूध लंबे समय तक देती है। और भैंस में यह है कि थोड़ी सी ये आराम है कि 19-20 हो जाती है तो भैंस बिक जाती है, गाय बिकती नहीं अगर 19-20 हुई तो। हाँ, मतलब बीमारियों में तो लगभग समान है। हाँ, बीमारी में समान है, मिस्टाइटिस गायों में थोड़ी सी ज़्यादा है, थनों में। हाँ, थनों में थनाइला। अच्छा, जिसको बोलते हैं हिंदी में। जी जी। हाँ, उसमें गायों में ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा। और भैंसों में न के बराबर है, न के बराबर है। तो गाय भैंस दोनों पाल सकते हैं। हाँ, जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि किसका दूध आप बेच पा रहे हैं। हाँ, वो अपने यहाँ मार्केट कैसी है, किसकी डिमांड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा जानवर खरीदें, भैंस खरीदें या गाय। और हमारा यही सजेशन है कि छोटे स्तर से चालू करें, छोटे एक एक स्टेप अगर चढ़ेंगे अपन तो गिरेंगे नहीं, और इकट्ठा 5 स्टेप चढ़ेंगे तो हो सकता है कि पर स्लिप करें तो गिर भी सकते हैं। तो सर आप अपने डेयरी फार्म में ब्रीडिंग में जैसे बात हमारी लंबे समय तक चली तो आप जैसे बुल भी एक रखे हुए हैं तो AI भी करवाते हैं या बुल से सारी भैंसें? भैंस तो बुल से होती है। अच्छा, जो कोई भैंस बहुत दुष्ट है जिसे पड़वे को नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो उसके लिए फिर AI है। नहीं, बाकी भैंस बुल से क्या है परसेंटेज ज्यादा ज्यादा है। अच्छा अच्छा और
AI जो है 30-35% का फुल रिजल्ट है। सर बच्चों को तैयार करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वही जो एक महीना का जब बच्चा होता है, एक महीना 20 दिन का या जब तक वो भूसा नहीं खाता जब तक वही दस्त वाली समस्या रहती है, वाइट दस्त जो होता है। सिर्फ अगर उसको आप बचा लिए दस्त को मतलब दस्त नहीं हुआ बच्चे को जी, तो आपको बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। आप पिटारा की गोली महीने में देते जाइए। पिटारा कैसे, ये क्या होता है? ये मतलब जो जानवर जैसे बच्चे दूध पीते हैं तो उनके अंदर पिटारा पेट में हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। हाँ, तो पेट के कीड़े की गोली आप महीने में एक बार दीजिए, दो तीन महीने लग सर, और उसके बाद तीन तीन महीने में दीजिए। लोग सर दवाई भी कुछ पिलाया करते हैं, कोई टॉनिक से आती है? टॉनिक ये है कि मल्टी विटामिन जैसे आता है या विटामिन एच है मिनरल टाइप में कि मतलब जल्दी ग्रोथ हो जानवर का। भाई कम दूर पा रहा तो थोड़ी सी मिनरल्स दे दिए जाता है अलग से कि मतलब जल्दी विकास हो। सर बच्चों को लगभग कितनी फीडिंग करानी चाहिए जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाता, और प्रेग्नेंट होने के पहले क्या फीड रखनी चाहिए, बाद में क्या रखनी चाहिए? वो जानवर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जानवर किस नस्ल का है। जैसे आपने को जल्दी तैयार करना है भाई, इनका उम्र से मतलब नहीं है जी। जानवरों में जो सिस्टम है उम्र से मतलब नहीं है। 2.5 क्विंटल की अगर आप 16 महीने में कर दिए तो 16 महीने में कंसीव हो जाएगी। मतलब मेन वजन का खेल है जी। जी मार्केटिंग कैसे करें? जैसे किसान कोई गांव में डेयरी शुरू करता है तो दूध कहाँ बेचे, क्या क्या सुविधाएं बनाए अपने फार्मरों को बताइए। दूध बेचने के लिए तो ऐसा है कि मार्केट में आना पड़ेगा भाई, अच्छी चीज रहेगी तो हर आदमी खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या रहता है, मतलब डेयरी जैसे लोग शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत करते ही लोग प्राइवेट डेयरी में डालने लगते हैं, 45-40 भैंस का दूध जाता है। वो देखिए क्या है, प्राइवेट भाई कोई भी अगर ले रहा है, कलेक्शन कर रहा है तो वो 10-20 रुपए की लीटर नहीं कमाएगा तो आपको वो काहे को लेगा भाई, काहे को गाड़ी लगाएगा, वर्कर लगाएगा और फिर तामझाम करेगा। तो जो हम अगर शुरू में आप कर रहे हैं डेयरी तो आप डायरेक्ट कस्टमर से मतलब संबंध बनाइए। मतलब जो बीच का जो कमीशन है बिचौलिए को मत दीजिए। वो बिचौलिया तब है जब के लिए कि आपके पास जैसे 2 क्विंटल दूध हो रहा है, 1.5 क्विंटल के आपका कस्टमर है, 50 किलो ओवर हो रहा तो चलो बीच में दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो जाएगा। मगर आप टोटल सोचें कि आप हम अपना उत्पादन बिचौलिए दे देंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, ना के बराबर। मतलब पहले दिन से तुम्हारा बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जो जैसे चूनी है, चोकर है या पशु आहार है या अपन भूसा है, हरा चारा है जी, तो इससे अपन अगर खिला के हरा चारा पर अगर फोकस करेंगे तो उससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, आपको जो उसकी फीड की जो कास्ट है वो कम हो जाएगी जी, तो उससे आपका उत्पादन जो है दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और जो आपकी कास्ट कम हो जाएगी तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मतलब हरा चारा खिलाने से क्या होता है, तो दाना कम लगेगा, जानवर स्वस्थ रहेगा, दूध भी अच्छा देगा। हाँ, अगर आप वो फैट में नहीं दे रहे हो दूध अच्छे रेट पे चलेगा। हाँ, नहीं फैट में भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मगर भाई अब ऐसा है कि जैसे आप बोले हम 10 किलो दाना खिलाएंगे, 10 किलो दाना मान लीजिए आज की डेट में 260 रुपए का हो गया, और उसी में अगर 20 किलो उसको हरा चारा दे देंगे तो आपका 8 किलो में या 5 किलो में काम हो जाएगा, और उधर सूखा भूसा भी कम लगेगा और दाना की कीमत आप देख ही रहे हैं। जानवर दाना ज्यादा जानवर खाएगा तो अगले बयान में जानवर जो है दूध कम देगा। भाई क्या होता है उसके शरीर में मतलब जो भूसा खाने की जो क्षमता है कम हो जाएगी, चर्बी इतनी ज्यादा आ जाएगी उसके शरीर में, भूसा कम चारा कम उठाएगा तो ऑटोमेटिक अगले बार दूध जो उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब जो उसकी कैपेसिटी पहले दूध निकाल रहा है वो अगले बार में कम हो जाएगी। शुरुआत में लगभग कितने पशु खरीदने चाहिए और कितने कितने दिन में पशु खरीदने चाहिए? क्या है जैसे अपन 50 जानवर हैं तो मतलब एक लॉट बनाना चाहिए, जैसे 10 जानवर अभी ले आए, फिर 10 जानवर फिर 3 महीने बाद ले आए, फिर 10 जानवर फिर 3 महीने बाद ले आए, मतलब 3-3 महीने का अंतराल रहेगा तो जो दूध का रेशियो है अपने डेयरी में कंटिन्यू बना रहेगा और वही जानवर फिर मतलब एक चैन की श्रृंखला में काम करने लगे। बिल्कुल, मतलब दूध आपके फार्म में कंटिन्यू होगा, कस्टमर बेस बना रहेगा और डेयरी चलती रहेगी। तो आज के डेयरी में सर क्या उतार चढ़ाव देखा आपने, पहले के समय के अंतर और अब में क्या कुछ नहीं देखा? अब तो ऐसा है कि देखिए पहले क्या है, शासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं थी, अब तो शासन भी मदद करने को तैयार है कि भाई आचार विद्या सागर ये स्कीमें हैं, लोन देती है डेयरी, ये करो वो करो ऐसा करो। हाँ, तो पहले तो ऐसा था कि लोन के नाम पर पापड़ बेलने पड़ते थे बहुत, अब तो ऑनलाइन आवेदन है, मतलब किसी डायरेक्ट बिचौलिया कोई जरूरत है नहीं है। बिल्कुल, जो भी मतलब करना
हैं तो मान लीजिए शासन की तरफ से भी मदद मिल जाती है। नहीं जो सर राजगीर में देखें तो लोन लेके जो डेयरी शुरू करते हैं जल्दी बर्बाद हो जाती है। नहीं तो लोन लेना देखिए बताया ना कि लोन जिसको लेके चुकाना है वो नहीं बर्बाद होगा, जिसको ये सोच के लेना है कि मेरे को तो देना नहीं है तो डेयरी भी नहीं चला पाएगा, वो कर्जा भी हो जाएगा, ये मतलब है। मतलब कि पहले सोचो लोन लेने, लोन लेने के पहले सोचो कि हमको लोन लेके अपना करियर बनाना है, अपना ये नहीं कि मतलब हमने ले लिया गाड़ी घोड़ा मकान बनाने लग गया, दो तीन साल में हम अपना मजा किए उसके बाद फिर कर्जेदार हो गए। और सर कुछ बताना चाहेंगे कुछ डेयरी के मंत्र? डेयरी का यही मंत्र है दो चीज, जानवर में बांझपन ना आए, अब मिस्टाइटिस थनैला ना हो, जानवर टाइम से ब्याए टाइम से दूध दे कभी घाटा नहीं होगा। और जैसे लेबर की समस्या क्रिकेट में बहुत है तो कैसे मैनेज करते हैं? और लेबर तो देखिए ऐसा है कि हम ये जानते हैं कि जो पशुपालक है तो वो पहले भैंसी गैया लगाना सीख ले, दूध निकालना। अच्छा, इसलिए कि लेबर जो जैसी चीज है जो अपन कल्पना करते हैं ना कि मशीन ले लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये क्या है देखिए छोटे स्तर पे संभव नहीं है, ये सब वो बड़े स्तर पे संभव है। और उतना देखिए जो अपने में सेंसर है दिमाग में, मशीन में कोई सेंसर नहीं है। सही बात है भाई, जैसे हमने कोई मशीन स्टार्ट कर दी जब तक हम बंद नहीं करेंगे वो तक चलेगी, उसी प्रकार से इंसान है, इंसान लगाएगा तो वो देखेगा कि दूध खराब आ रहा है कि छिछड़ा आ रहा है कि थन फूया है कि थन बैठा है क्या है, तो वो बड़े स्तर पे के लिए है मशीन पूरी प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी, पूरी प्रैक्टिकल। अब जो कोई मतलब पशु पाल है तो पहले 2-4-10 दिन कहीं जाके ट्रेनिंग ले ले कि या कोई उसके साथी सहयोगी पाल रहे हैं तो उनके बीच में रह के अपना उससे नुकसान से बचा जा सकता है। बिल्कुल सर, डेयरी लगभग कितने दिन में प्रॉफिट में आ जाए? जैसे हमने मान लीजिए कि 50 लाख लगाया या 60 लाख लगाया और हम बढ़िया मेहनत कर रहे हैं डेयरी में, तो कितने दिन बाद रिटर्न आने लग जाता है? रिटर्न तो उसी दिन से आने लगेगा। हम बोलते हैं हमने 60 लाख लगाया, 60 लाख की हमारी पूंजी भी तो है भाई, हम दूध रोज निकाल रहे हैं रोज हमको प्रॉफिट उसमें समझ में आएगा। जी जी, मगर जो पूंजी है बताए ना कि जो जानवर डिस्टर्ब ना होने पाए, जानवर टाइम से गाभिन हो और टाइम से ब्याज, दो ये चीज अगर होगी तो डेयरी में कभी लाभ नहीं होगा। अब वो पूंजी बनी रहेगी आपकी, फिर नेक्स्ट ब्याज में आएगी भाई। जैसे हमने 80,000 की भैंस लिया, 8 महीने भैंस लगी, 9 महीने लगी, 10 महीने लगी भैंस, उसके बाद 3 महीने के लिए छुटा गई, फिर जब भी आएगी तो फिर तो 80,000 तैयार हो गई। हाँ, मतलब फिर अपनी कीमत दे गई। हाँ,